हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा रेसिडेंसीज। एंड कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉटन फैब्रिक दिखा रही हूँ। तो विंटर आ रही है तो कॉटन क्यों, तो विंटर हमारे यहाँ आ रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के हर पार्ट में विंटर आ रही है, कुछ ऐसे पार्ट भी है जहाँ पे स्टिल मतलब गर्मी होगी ही। और उन लोगों के लिए है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते, और मैंने इस बार कॉटन फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अपने कलेक्शन में मतलब इन किया था, बट वो इंस्टाग्राम ना चलाने की वजह से उनको आइडिया नहीं हुई है। अभी इधर कन्वर्सेशन करने के बाद मुझे एक आइडिया मिली है कि बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं, तो स्टिल अभी मेरे पास कुछ फैब्रिक ऐसे हैं जो मैं उनको दे सकती हूँ या फिर वो आइडिया ले सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए। और आप आगे देखोगे कि किस टाइप के कॉटन फैब्रिक अभी अवेलेबल है और आप उससे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको शायद कुछ दाने सा दिख रहा होगा, वो अंदर से अपन बीमार होते तो दाने नहीं निकल जाते, ऐसे वो चीज़ें हो गई हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है बोलने में। तो इसमें जा रही हूँ मैं कुछ क्रीम वगैरह लगा ले रही, तो आगे वीडियो में मुझे तो आप थोड़े से अजीब देखोगे, बट कोई ना, आप उसको इग्नोर कर देना और फैब्रिक पे कंसंट्रेट करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहले अपन बात करेंगे ब्लू कलर की प्योर कॉटन फैब्रिक पे। ये प्योर है एकदम से, आप वॉश करोगे तभी भी श्रिंक नहीं होगी, ना ही इसकी कलर जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छी है। आप चाहो तो आप लॉन्ग जो फ्रॉक होती है वैसा कुछ बनवा सकते हो, आप कुर्ती बनवा सकते हो, आप ए लाइन जो ड्रेस होती है वो बनवा सकते हो, तो ये सब बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ कुछ इस तरीके की पट्टी भी है पिंक में, तो आप इसके साथ पिंक सलवार एंड वाइट सलवार दोनों चला सकते हो। तो ये प्योर कॉटन फैब्रिक पे है और ये सारी प्रिंट बहुत अच्छी होती है, ये देखो। तो और इसकी ब्लू कलर बहुत ही खूबसूरत है, तो ये सब प्योर कॉटन पे है, आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, आप खुद देख सकते हो। तो ये कॉटन सब नॉर्मल कॉटन प्रिंट्स, अगर मैं आपको प्रिंट सब दिखाती जा रही हूँ कि कौन कौन सा मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो ये हो गई जो कि बहुत सॉफ्ट है, और मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ बनवाना चाहिए था, लेकिन अब तो विंटर आ गई, नेक्स्ट सीजन में देखा जाएगा। और सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ ये डार्क ग्रीन कलर की फैब्रिक जो कि प्योर कॉटन है, प्लस इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, लाइक 50 से भी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों की थोड़ी सी मतलब क्या ही बोलूँ, डाउट है उसको क्लियर करना है। तो विड्थ ज़्यादा क्या मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो मतलब जैसे आपकी सूट 2 मीटर में बनती है, बट आपकी उसमें स्लिप्स नहीं निकल पाती होगी, तो आप स्लिप्स के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक खरीदते हो, ये होती होगी। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपकी लॉन्ग विड्थ होती है, लाइक आपकी जो सूट की लेंथ 44 जा रही है, बट इसकी जो फैब्रिक की जो लेंथ है वो 50 लेंथ है, ये हो गई, तभी भी आपको ऐसा नहीं कि आपको 1 मीटर में चीज़ें बन जाएगी, आपको खरीदने पड़ेंगे 1.5 या 2 मीटर, बट आपको स्लिप्स के लिए जो आप एक्स्ट्रा लेते थे ना वो ना खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लिप्स जो है इसके नीचे से कट जाएगी, लाइक 44 आपकी लेंथ हो जाएगी, उसके बाद जो 6 इंच बचती है वो आपकी स्लिप्स हो जाएगी। तो ये होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि फैब्रिक लंबी है तो आप कपड़े कम खरीदोगे सिर्फ स्लिप्स को लेके, नहीं तो आपकी बॉडी में जितनी फैब्रिक लगती है वो लगेगी ही, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाती। तो ये है इसकी बात। तो ये जो फैब्रिक है ये भी बहुत चौड़ी है, आप खुद देख सकते हो पता नहीं कितनी चौड़ी है। तो ये इस टाइप की जो फैब्रिक है आप ये देखो, आप अगर इसकी इस तरीके की ना मतलब कुर्ती भी बनवाओगे, इसी की भी पैंट, जो कुर्ती और पैंट चल रही है स्ट्रेट पैंट, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहो तो आप इसके जो फुल घेर वाले जो कॉटन के फ्रॉक होते हैं आप वो भी बनवा सकते हो, और लाइनिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइनिंग लगाते हो फ्रॉक में तो आप कॉटन की जो 30-35 रुपये वाली जो कॉटन की लाइनिंग आती है वो यूज़ कर सकते हो, और आप इसकी ड्रेस बना सकते हो। आप इस मैंने इसकी मरून कलर रखी है, देखती हूँ मरून कलर या ग्रीन कलर किसी में से एक से मैं फ्रॉक जरूर बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो ये है, और जो लड़के के कुर्ते होते हैं ना आप लड़के के कुर्ते भी बनवा सकते हो, और उसके लिए 3 मीटर फैब्रिक इनफ होगी, और इस तरीके की पैटर्न आती है तो लड़के के भी कुर्ते बहुत अच्छे लगेंगे ग्रीन या ब्लैक एंड वाइट पजामे के साथ। तो ये सारी फैब्रिक इस तरीके से है, ये देखो। तो ये भी पूरे प्योर कॉटन पे, और ये सब शाइन आप देख सकते हो, ये सब प्योर कॉटन पे ना शाइन है, तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगती है। इसके कलर्स है आपको मैरून कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, और ये कलर है। मैं कोशिश करती हूँ आपको मरून भी दिखाने का, एक मिनट आप रुको, जैसे ये ग्रीन आपने देख लिया, ये मैरून देखो,
वाइन कलर है, नॉट लाइक प्रॉपर मैरून है, ये वाइन कलर पे है। ये मैंने रखा है फ्रॉक के लिए, देखती हूँ मैं फ्रॉक बनवाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है ये। तो इस तरीके से ये है, आप चाहो तो कुर्ती और पैंट भी बनवा सकते हो। और सारे पोस्ट इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी चल रही थी, आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हो तो आप वहाँ कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जा रही है आजकल, बट इंस्टा पे पोस्ट ना मैं नहीं, कोई भी कर देता है, मेरे साथ जितने लोग भी काम करते हैं वो सारे पोस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि वहाँ पे अगर पोस्ट हो रहे हैं तो मैं ही अवेलेबल हूँ, मैं नहीं भी रहती हूँ बट वो पोस्ट होती रहती है चीज़ें। तो ये हो गई इस फैब्रिक की बात। दिखा रही हूँ कि कोई कोई चीजें ना जब तक आप देखोगे नहीं ना, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं लगती हो कि फैब्रिक कैसी है, क्योंकि जब मैं इसकी फोटोज डालती हूँ ना तो मतलब वो उतनी ज्यादा खिलके नहीं आती जितनी इसकी वीडियो। आपको खुद भी दिख रही होगी इसकी वीडियो कितनी अच्छी है, अगर चाहे मैं यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ तो गेट एन आइडिया कि ये किस टाइप से बनेगी, तो आपको लुक समझ आ रही है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हो गई इस फैब्रिक की बात। जैसे ये है ना, ये भी बहुत सॉफ्ट, बहुत तो मतलब बहुत अच्छी वाली कॉटन है, बट इसकी जो फोटो मैं डालती हूँ ना इतनी डल बेकार से ब्लू आती है ना कि आपको बता नहीं सकती। और जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, जैसे ही आपको मैं मटेरियल की कलर रियल में है ना, वैसी वीडियो में दिख रही है, जो शाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इसमें मैं क्या ही हाइड करूंगी, जो शाइन आपको यहाँ दिख रही है वही शाइन आपको वहां पे दिख रही है। इसलिए ये दो फैब्रिक होगी कॉटन की। तीसरी अपन बात करेंगे रेयॉन कॉटन की, जो कि प्रिंट पे है। तो उसके लिए अपन, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये लाइट पिंक पे शॉर्ट पीस है, जो कि 1.5 मीटर ही अब बाकी है मेरे पास। 1.5 मीटर में भी आपकी बॉडी और स्लीव्स, मैंने आपको पहले बताया, वो निकल जाएगी। और इसके साथ जो है 2 मीटर का पैंट का है फैब्रिक, जो कि आप देखते हो कि स्ट्रेट पैंट और कुर्ती की जो प्रिंट वाली चलती है, ये दोनों इसी मैचिंग पे है। ये देखो, तो ये पैंट के लिए हो गई और ये शर्ट के लिए हो गई। ये सब भी बहुत फैब्रिक आया थे इस बार, तो कॉटन हद ही आई थी और बहुत अच्छी अच्छी चिकनकारी इतने अच्छे आए थे, बट अब चिकनकारी तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, अगर होगी तो मैं फिर आपको दिखा दूंगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि आप ले सकते हो, और आपको जो भी लेना है मेरा व्हाट्सएप का लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक आपको इंस्टाग्राम सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इंस्टाग्राम का भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और रेगुलर अपडेट से अपडेटेड रह सकते हो, और कभी कभी चीज अपडेटेड रह सकते हो। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो एक और फैब्रिक दिखा रही हूँ जो कि कॉटन पे ही है। ये देखो, ये सब जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन फैब्रिक है ये भी, बट ये सब का ना आप ए लाइन जो ड्रेस होती है ना उस टाइप की आप बनवाओगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। 3 मीटर फैब्रिक लगती है, 3 साढ़े 3 मीटर फैब्रिक लगती है, बट वो जो ड्रेसेस होती है ना वो आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, लाइक ऑफिस भी आप जा सकते हो, आप नॉर्मल घूमने भी जा सकते हो, और घर की छोटी मोटी पार्टी फंक्शन में भी पहन सकते हो, और रील्स वगैरह अगर आप बनाते हो तो उस टाइप के लिए तो आप बहुत ही परफेक्ट है। तो ये हो गई इस प्रिंटेड फैब्रिक है, और आपको जो कलर दिख रही है सेम कलर है, थोड़े लाइट बेस पे है ये, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो मतलब ब्लैक मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1.5 मीटर है। ये चिकनकारी टाइप फैब्रिक जो होती है, कॉटन चिकनकारी, जो कि इस टाइप से आप ये देखो कॉटन पे है। तो अगर बहुत लोगों को ना इस टाइप की ब्लाउज पीस बहुत अच्छी लगती है कि मतलब कट वाली ब्लाउज पहनते हैं वो बहुत सारे साड़ियों के साथ, तो आपको लगता है ना कि ये नेवी ब्लू है, कट जो है नेवी ब्लू है, तो अगर आपको लगती है कि अगर आप इस टाइप की फैब्रिक से ब्लाउज बनवा सकते हो और पहन सकते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट कुर्ती भी बहुत अच्छी लगेगी, आप खुद ही देख सकते हो, और टॉप वगैरह भी, क्योंकि जितने भी आपको चीजें मिलती है मार्केट में कहीं ना कहीं जो अच्छे रेट की मिलती है वो कहीं ना कहीं अच्छे फैब्रिक से ही डिजाइन होती है। नॉर्मल फैब्रिक तो हर जगह अवेलेबल है, तो इसकी भी अगर टॉप वगैरह अगर बन के बिकेगी वो बहुत अच्छे रेंज में बिकेगी। तो ये हो गई ये चिकनकारी टाइप की फैब्रिक, ये देखो आप, ये भी प्योर कॉटन पे है। तो ये है इसकी डिटेलिंग। अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो ये दिखा रही हूँ, ये देखो, और आपको जो दिख रही है ना उससे एक शेड डार्क है ये, और मैंने इसकी एक ड्रेस भी ऐड की हो तो आप वो देख सकते हो। ड्रेस मैंने नहीं बनाई, मैंने ऑनलाइन ही निकाला है उसको, बट वो मुझे अच्छी लगी, तो आप उस टाइप की ड्रेस बना सकते हो। आप शर्ट बना सकते हो, शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप शर्ट बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप शर्ट बना सकते हो। और ये डार्क शेड है, मतलब जो भी ब्लू का है ना ये डार्क शेड है, आपको थोड़ी सी लाइट आ रही है बट जो भी आपको दिख रही है उससे एक से डार्क है, बट ये बहुत सुंदर लगेगी। अगर आप
लिबास, हाँ लिबास को अगर फॉलो करते हो, लिबास की कुर्ती पहने हो, जितनी लॉन्ग कुर्ती उसकी होती है ना, आपको इस टाइप की फैब्रिक जो भी स्ट्रेट लाइन वाली होती है, एक तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप बहुत लंबे रिजेंबल होगे, और आपको लॉन्ग कुर्ती बनवानी है इसकी, बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहो तो आप डेनिम जींस के साथ इसको शर्ट टाइप को अगर कुर्ती बनाते हो कॉलर टाइप की तो पहन सकते हो, और बहुत अच्छी मतलब फिटिंग आएगी। और तो ये वाली जो फैब्रिक है वो इसी टाइप की फैब्रिक है, तो आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए अगर आपको। और इसकी विर्थ भी बहुत ज़्यादा है, 50 इंच विर्थ है इसकी, 50 से भी ज़्यादा है, 55 है शायद, बट मैं 50 लेके चलती हूँ कि इनकेस कभी कम हो जाए तो कस्टमर मुझे भेजते भी है कि आपने 50 बताया था और ये 48 ही है, इसलिए मैं 50 बता रही हूँ क्योंकि ये 55 तक है, मुझे यहाँ तक याद है। तो ये हो गई इस फैब्रिक की बात, और इस पे जो है इतने छोटे छोटे फ्लावर भी बने हैं तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ये कॉटन सिल्क फैब्रिक की, जो कि अगर आप शर्ट एंड स्ट्रेट पैंट बनवाते हो, शर्ट इन द सेंस कुर्ती को मैं शर्ट बोल रही हूँ, कुर्ती अगर बनवाते हो और सेम स्ट्रेट पैंट बनवाते हो इसकी, तो बहुत खूबसूरत लगेगी, आप खुद ही देखो। मैंने खुद के लिए भी रखा है बट मैं रखती ही चली जाती हूँ, तो इस तरीके से ये, और ये हल्की पार्टी वियर भी हो जाएगी अगर आप इसमें थोड़े से लेसेस वगैरह टेसल्स वगैरह यूज करके अगर आप बना लिए तो आपकी एक अच्छी खासी पार्टी वियर ड्रेस भी कॉटन में, कॉटन सिल्क है, आपको लाइनिंग यूज करनी पड़ेगी तो आप बना सकते हो। और ये देखो, और इसकी गोल्डन शाइन भी नहीं जाती है क्योंकि ये काफी टाइम से मेरे पास भी है, मैंने उसको बहुत सारे बेच लिए हैं, और ये मेरा पीस है, तो मेरे पीस के अलावा एक ही पीस बाकी है जो कि मैं लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और ये स्पेशली उन कस्टमर के लिए जिनको कॉटन की डिमांड थी। तो ये हो गई उसकी बात कॉटन सिल्क फैब्रिक की, ये भागलपुरी कॉटन सिल्क है और ये बहुत अच्छी है, जिन जो थोड़ी ऑफिस गोइंग है, जिनको इस तरह की टेक्सचर पसंद आती है खादी वाली, उनके लिए बहुत परफेक्ट है। बट ये सबसे ज़्यादा यूज होती है लड़कों के कुर्तों में, जो कि बहुत अच्छी लगती है अगर आप पहनोगे, और सबसे अच्छी बात इसमें कोई भी लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, और शाइन देखो आप यहाँ से देखोगे आप, एकदम प्योर सिल्क कॉटन की शाइन है और ये बहुत अच्छी है। तो अगर आप चाहो तो आप इसके कुर्ते बनवा सकते हो एकदम अच्छी वाली, मुझे भी ये अच्छी लगी है कि मुझे लगता है कि इसके सेम अगर आप कुर्ता बनवाते हो सेम पैंट बनवाते हो तो बहुत ही सिंपल ऑफिस गोइंग ड्रेस बनेगी और बहुत डिसेंट लुक आएगी इसकी। इस तरीके की फैब्रिक आपको डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। ये देखो, ये हो गई इस फैब्रिक की बात, और एक और मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि ये फैब्रिक है, और ये नेवी ब्लू कलर पे फ्लावर वर्क है, फ्लावर वर्क मुझे बहुत पसंद आती है, आपको ए लाइन ड्रेस फ्लावर वर्क वाले की बहुत अच्छी लगती है तो आपको डेफिनेटली बनवाना चाहिए, और 3 मीटर में 3.5 मीटर में आप बनवा सकते हो। और अगर आप लॉन्ग फ्रॉक बनाना चाहते हो ना इस टाइप की प्रिंटेड का, तो आप लॉन्ग फ्रॉक भी बनवाओगे, बहुत अच्छी लगेगी। और ये सब प्योर कॉटन है, आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीदिंग टाइप मटेरियल जो होती है उस टाइप की मटेरियल है, और मुझे डेफिनेटली ऐसे प्रिंटेड बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं लेके आई हूँ, और ये काफ़ी सारे मैंने सेल किए हैं और अभी भी स्टिल मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद भी एक ड्रेस बनाऊंगी, और शायद मैंने बनवा भी रखा है पर पहन के दिखाती हूँ कभी आपको। तो ये हो गई इस फैब्रिक की बात, और अगर आपको कुछ भी लेना है तो मेरा नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, आप उसमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, ताकि मैं आगे आपको चीज़ें बताती रहूँ। और एट लास्ट मैं आपको कॉटन चिकनकारी फैब्रिक दिखा रही हूँ। कॉटन में जो भी आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कॉटन में मिलती है चिकनकारी के नाम पे, मतलब थ्रेड वर्क के नाम पे, लेकिन उसकी मटेरियल जो है वो बहुत हार्ड होती है, तो हमेशा जो है लिनन वाली जो मटेरियल होती है वो बहुत अच्छी होती है, थोड़ी गब्स वाली जो कॉटन है, क्योंकि कॉटन में हम बहुत ज़्यादा लाइनिंग यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कॉटन का मतलब है ब्रीदिंग मटेरियल, नॉट लाइक उसमें इतने ज़्यादा लाइनिंग हम यूज़ कर लें कि हमें शरीर को ही सांस ना आए। तो ये है वो मतलब चिकनकारी वाली फैब्रिक, और जो कि बहुत अच्छी है, ये देखो, और ये एकदम प्योर मतलब क्रीम वाला वाइट है ना उस पे है, और ये इसमें दामन वर्क भी है, और आप चाहो तो आप इसके ड्रेस बनवा सकते हो, कुर्ती बनवा सकते हो, प्लाजो बनवा सकते हो, और अगर फंक्शन वगैरह आपकी है प्योर वाइट है, बहुत लोगों को प्योर वाइट चाहिए थी कि वो अपने फंक्शन में प्योर वाइट ही डालना चाहते हैं, तो आप ये डाल सकते हो, आपको कहीं पे भी एक भी दूसरा कलर नहीं दिखेगा। पानी सीक्वेंस भी है इसमें, आपको ये शाइन दिख रही है, यहाँ से दिख रही होगी, पानी सीक्वेंस है इसमें इसलिए, और यहाँ से आप देखो इसमें आपको पूरी थ्रेड वर्क है पूरी, और ये मटेरियल भी बहुत गब्स है, बहुत अच्छी मटेरियल है,
तो यहाँ से आपको ये दिख रही है पूरी इस वाले लीफ पे है, और फिर यहाँ पे दामन बर्क है। तो आप इसके अनारकली बनवा सकते हो, आप इसकी फ्रॉक बनवा सकते हो, आप इसकी कुर्ती बनवा सकते हो, आप इसके पैंट बनवा सकते हो, और इनफैक्ट आप ब्लाउज बनवा सकते हो। बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत ब्लाउज लगेगी। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनाऊँ, ताकि मैं जो साड़ियाँ आपको दिखाते हैं उस पर पहन के दिखा सकूँ, या फिर किसी ड्रेस के साथ भी, स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो। कॉटन को हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये है उस फैब्रिक की पूरी डिटेलिंग, आप देख सकते हो ऑलरेडी इसकी अनारकली बनी थी, इसी वजह से ये फैब्रिक इतनी आई है, जो कि अब मीटर मीटर में जाएगी। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी लेना है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आ सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पे, मैंने रेट कोशिश कर रही हूँ कि मेंशन कर दूँ। और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप डीएम कर, सॉरी मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपको किससे रिलेटेड वीडियोज बनानी है, तो मैं उस पर बना दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आती हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, और इंस्टा पे फॉलो कर लो ताकि वहाँ पे आप सारे डिटेल्स समझ पाओगे। तब तक के लिए